वनवास काल में लक्ष्मण जी कहाँ पे रहते थे? अब 12 साल लक्ष्मण जी क्यों नहीं सोए? क्यों किया लक्ष्मण जी ने अपने दामाद का वध? तो लक्ष्मण जी इस पर्वत पे क्यों रहते थे और क्या है लक्ष्मण पत्थर का राज? तो ये सब कुछ हम जानेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, बीच में स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चित्रकूट के घने जंगलों में कामतगिरी पर्वत पे प्रभु श्री राम अपने वनवास के समय यहाँ पे रहा करते थे। कामतगिरी पर्वत को ही कांतानाथ भगवान कहा जाता है। कहते हैं वनवास काल में प्रभु श्री राम माता जानकी के साथ भरत मिलाप मंदिर में रहते थे। कामतगिरी पर्वत की बाईं तरफ एक ऊंची पर्वत गई है जहाँ पे लक्ष्मण जी अपने वनवास के समय रहा करते थे। ये पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत था जहाँ से लक्ष्मण जी अपने भाई राम और भाभी सीता जी की देख रेख किया करते थे। तो इस पर्वत तक आपको पहुंचने के लिए 250 सीढ़ी चढ़ के जा सकते हैं या फिर आप रोपवे की मदद से भी पहुंच सकते हो। तो यहाँ पे पहुंचने के बाद आपको दिखेगा 8 खंभों से मिलकर बना हुआ लक्ष्मण चौकी। यहाँ का मान्यता है कि उस खंभों को गले लगाया जाता है। उन खंभों को गले लगाने से आपके शरीर के सारे कष्ट दूर होते हैं और लक्ष्मण जी से मिलने का एक अलौकिक अनुभूति प्राप्त होती है। और कहते हैं ये वही जगह जहाँ से लक्ष्मण जी पूरे चित्रकूट की निगरानी किया करते थे और यहीं पे वो 12 साल बिना कुछ खाए बिना कुछ सोए यहाँ पे अपना जीवन व्यतीत किए थे। तो लक्ष्मण जी ने 14 साल तक क्यों नहीं कुछ खाया क्यों नहीं सोया, इसके पीछे भी एक छोटा सा कारण है। तो रामायण काल की कथा अनुसार लक्ष्मण जी ने ब्रह्मचर्य का पालन इसलिए किया था जिसकी वजह से वो मेघनाथ का वध कर सके। मेघनाथ रावण का पुत्र था, बहुत ही शक्तिशाली था, जिसका वध प्रभु श्री राम भी नहीं कर सकते थे। एक बार इंद्र और मेघनाथ के बीच युद्ध हुआ था जिसमें मेघनाथ की जीत हुई थी और मेघनाथ ने इंद्र को बंदी बना लिया था। इसकी वजह से मेघनाथ का दूसरा नाम इंद्रजीत भी कहा जाता था। जहाँ पे ब्रह्म देवता इंद्र को छुड़ाने जाते हैं तब मेघनाथ ने ब्रह्म देवता से वरदान मांगा अमर होने का, जहाँ पे ब्रह्म देवता ने मेघनाथ को वरदान दिया और कहा तुम्हें सिर्फ वही मार सकता है जो 14 साल ब्रह्मचर्य का पालन करेगा। मेघनाथ को जब ये आशीर्वाद मिला तो उसने दूसरा हमला किया नाग लोक में, जहाँ पे उसने नाग देवता वासुकी से युद्ध किया और युद्ध में हार गया। तब वासुकी जी ने अपने बड़े भाई शेषनाग के हाथों से मरने का श्राप देते हैं। अब मेघनाथ ने मौत को चकमा देने के लिए शेषनाग की पुत्री सती सुलोचना से विवाह कर लिया है। उसने सोचा कि शेषनाग अपने दामाद को तो कभी नहीं मारेंगे। तब शेषनाग राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी के रूप में आए और युद्ध में मेघनाथ यानी इंद्रजीत का वध कर दिया। तो यहाँ पे आपको एक मंदिर दिखेगा जो शेषनाग की माता मनसा देवी का है। इस मंदिर में राम सीता लक्ष्मण और राधा कृष्ण जी की मूर्ति रखी हुई है और यहाँ पे मनसा देवी को नारियल चुनरी चढ़ाते हैं और कहते हैं यहाँ पे आप चुनरी बांधकर अपनी मन्नत पूरी कर सकते हैं। तो अब चलिए अब आपको दिखाते हैं लक्ष्मण पत्थर, जिसे चमत्कारी पत्थर भी कहा जाता है। तो इस पत्थर को लक्ष्मण पत्थर इसलिए कहा जाता है कि लक्ष्मण जी यहाँ पे 11 साल 11 महीने 27 दिन इस तपो भूमि में रहे थे और इस पत्थर को चमत्कारी पत्थर भी कहा जाता है। कहते हैं यहाँ पे आप इस पत्थर से आप 2 इच्छा पूरी कर सकते हो, पहला जो आपके मन में हो, दूसरा इस पत्थर का घर बना के आप साल भर के अंदर अपना घर पा सकते हो। और इस पत्थर को रखने की एक विधि होती है, इसको विषम संख्या में रखते हैं 5, 7, 9, 21। पत्थर से घर बनाने के बाद आप उन पत्थर पे 1-2 का सिक्का रखकर अपनी इच्छाओं की कामना कर सकते हैं। और अब बढ़ते हैं आगे, तो मंदिर के साइड आपको एक छोटा सा पार्क दिखेगा और अब आपको दिखाते हैं वो जगह जो है लक्ष्मण पदचिन्ह। यहाँ से लक्ष्मण जी ने सभी माताओं और भरत जी को आते हुए देखा था। हमारे दर्शन पूरे हो चुके हैं और अब हम चलते हैं नीचे। तो फ्रेंड्स, ये रहा लक्ष्मण पहाड़ी का पूरा वीडियो। कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मुझे जो कुछ भी लक्ष्मण पहाड़ी के बारे में पता था मैंने आप लोग से शेयर कर दिया। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। इससे पहले ये जानकारी आपको पता था या नहीं मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो फ्रेंड्स, आपसे जल्द मिलेंगे ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो देखते रहिए मेरा चैनल क्यूट मिस्टर क्रिएटर और वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय।